एक समय की बात है, एक सौदागर अपने बड़े जहाज में व्यापार के लिए अनेक देशों में गया और व्यापार खत्म करके वो अपने घर के लिए लौट रहा था। इतने दिनों के बाद घर लौटते समय वो बहुत खुश था। धीरे धीरे उसका जहाज घर की ओर बढ़ रहा था। वो एकांत में खड़े रहकर अपने घर परिवार और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। आहा, कितने दिनों के बाद घर लौट रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा से कारोबार बहुत ही अच्छा चला है। सबके लिए उपहार भी ले जा रहा हूँ और सबसे बेहतरीन उपहार मैं मेरी बीवी के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके हाथ में उपहार देने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। जल्दी से मुझे घर जाना है, इंतजार नहीं कर सकता। उसे उपहार देते ही वो बहुत ही खुश हो जाएगी, लेकिन उसे ये भी बताना होगा कि इस उपहार को बहुत ही संभाल के अपने पास रखे। अजी सुनिए, मैंने आपके सारे उपहार देख लिए। क्या आप मेरे लिए कोई भी उपहार नहीं लेकर आए हैं? ऐसा कभी हो सकता है भाग्यवान? ये देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं? अरे वाह, कितना सुंदर हार। देखो चारों तरफ से लाल मोती कितनी ज्यादा चमक रही है, देखो ना। ये हार जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी है। इस हार का अपमान करोगे तो नतीजा भी बहुत ही बुरा होगा। हाँ, क्या मतलब? दक्षिण में जब मैं व्यवसाय करने गया था तो मुझे एक साधु महात्मा मिले। उनको मेरा व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा, प्रसन्न होकर मुझे ये हार दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत खुश हुआ सौदागर, ये लो मेरी तरफ से उपहार। लेकिन ये हार दिखने में जितना ही सुंदर है, टूटने के बाद उतना ही खतरनाक भी है। अगर ये हार एक बार टूट जाए तो जो ये हार को जोड़ेगा उसकी मृत्यु होना तय है। आप डरिए मत, इसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। आपकी ये हार ना बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छा जचता है। क्या आप जानती हैं ये हार वो मेरे लिए कितनी दूर से लेकर आए हैं? हाँ, अरे ये क्या हो गया? आपने ये क्या कर दिया? ये क्या? गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं अभी इसको ठीक कर देती हूँ, एकदम नया से इसे कर दूंगी। मैं माफ बिल्कुल नहीं करूँगी, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। क्यों माँ? आप जाइए तो मेरी आँखों के सामने से, जाइए। ये तुमने क्या कर दिया? अब हमारे पास इस हार को तोड़ने के बाद कोई उपाय नहीं। बस एक बार इस हार को दोबारा ठीक कर दो, मैं वादा करती हूँ ऐसी भूल मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। कृपया एक बार मुझ पर दया कीजिए, बस एक बार स्वामी। तुम जाओ और मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं इसका, मैं देखता हूँ। सुनो सुनो सुनो, काशपुर का सौदागर ये घोषणा कर रहा है, उनका महान मूल्यवान हार टूट गया है। और सुनो, जो भी सुनार इस हार को ठीक करके देगा उसे राजा की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। सुनो सुनो, यहाँ खड़े मत रहिए, जिसको भी आता है वो तुरंत सौदागर के महल में पहुँच जाए। आप सबने इस हार के बारे में तो सुन लिया है, तो आप लोगों में से कोई है कि जो हार ये ठीक कर सकता है? अगर किसी को लगता है कि वो ठीक कर सकता है तो मुझसे बात करें। माफ करिएगा सौदागर, लेकिन इस हार के बारे में सुनकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम करने के लिए तैयार होगा। चलो चलो सब चलो। हाँ, चलो यहाँ से, ऐसा काम कौन करेगा? चलो चलो। अरे पैसों की लालच में आके जान थोड़ी ना गवाएंगे, चलो चलो हमें बहुत काम है, कुछ और काम करके पैसे कमा लेंगे। क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना? मैं ये काम करना चाहता हूँ हुजूर। क्या बात कर रहे हो तुम, इतनी कम उम्र में तुम्हें मरने का डर नहीं लगता बिल्कुल भी? मैं हैरान हो गया। मैं गरीब माला बनाने वाला आदमी हूँ हुजूर, मेरे घर में एक अंधी बहन है हुजूर, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मेरी आपसे एक विनती है हुजूर, अगर इस हार को बनाने के बाद मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा उपहार मेरी अंधी बहन को दे देना, सोने की मुद्राओं से उसका जीवन आसानी से कट जाएगा। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नहीं,
नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको छोड़कर मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अरे पागल, रो क्यों रही है तू? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। जा जाके आराम से सो जा और मुझे काम करने दे। अगर मैं इस हार को अपने हाथों से बनाया तो मेरी मृत्यु होना तय है, ये तो मैं जानता हूँ। मेरे बचने का एकमात्र उपाय है कि मैं कैसे भी करके इस धागे को अपने आप ही इस मोतियों के अंदर घुसा दूं। लेकिन कैसे? मिल गया उपाय, मिल गया। अब यही उपाय मेरी जान बचाएगा। सबसे पहले मैं इस धागे के छोर को शहद में डुबा देता हूँ। उसके बाद मोतियों को इन शहद में मिलाकर मैं सजा के रख देता हूँ। और इस धागे के पहले हिस्से को मैं रख देता हूँ मोतियों के सामने, और दूसरे छोर पर मैं गांठ बांध देता हूँ। हो गया, अब थोड़ा इंतजार करके देखता हूँ कि क्या होगा। हो गया। हार अपने आप जुड़ गया। वाह, दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने अपनी जान बचा ली आज। इसके बाद हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सन्यासी की बात झूठी नहीं हो सकती। शुरुआत में जब मैंने तुमसे बात की तो मुझे लगा तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ही बड़े ठग हो। मैंने बहुत ही गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। मुझे पक्का भरोसा है ये हार मेरा है ही नहीं, तुमने किसी और का दिया है। हुजूर, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। अगर एक दिन में मेरा हार नहीं दिया और मेरा रत्न मुझे लौटा कर नहीं दिया तो महाराज को तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। ये तो अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। अब क्या मुझे सच्चाई अपनी जान देकर ही साबित करनी पड़ेगी? हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हाँ, दिमाग में एक विचार आया है, लगता है इससे काम हो जाएगा। जरूर होगा भैया, आपकी बुद्धि से काम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। जरूर करूँगी भैया, बताओ ना मुझे आपके लिए क्या करना होगा। जो सोचा था वही हुआ, वो आदमी बिल्कुल ठग है, नहीं तो वो यहाँ आ ही जाता। ठग है इसलिए नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है वो हार को सही करते करते शायद मर गया हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, घर पे तो उसकी एक अंधी बहन है और वो ही है। वो अंधी बहन मेरे महल तक हार लेके आएगी कैसे? कल सुबह मुझे नगरपाल से मिलके उसके घर जाना ही होगा। क्या यही माला वाले का घर है? कौन? मैं नगरपाल। मुझे जानना है कि क्या यही माला बनाने वाले का घर है? हाँ, वो तो मेरे भैया है। तुम्हारे भैया को एक बार बुला दोगे? भैया तो नहीं है, किसी एक के लिए उन्हें हार बनाना था, वही हार बनाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हे ऊपर वाले, तुम मुझे क्षमा कर दो। ऊपर वाले, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई ने वो हार कहाँ रखा? हाँ, वो हार मेरे पास ही है। मरने से पहले भैया वो हार मुझे दे गए थे। ये रही वो हार। देखिए सौदागर हुजूर, क्या यही आपका वो हार है? हाँ, यही है मेरा हार। एक बार दोबारा अच्छे से देख लीजिए महोदय, क्या ये आप ही का हार है? कहीं ये किसी और का हार तो नहीं है? हाँ, यही है वो हार। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक बार और अच्छे से इस हार को देख लीजिए। हाँ, इसी हार की वजह से तुम्हारा भैया तुम्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन इस दुनिया में बेटा तुम अकेली नहीं हो, मैं ये वादा निभाऊंगा।
ये लो तुम्हारे भाई की मेहनत की कमाई 1000 सोने की मुद्राएं। तुम्हारे भैया चाहते थे ये सारी मुद्राएं मैं तुम्हारे हाथों में ही दूं। माफ कीजिएगा महोदय, लेकिन ये तो सोना नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो, ये सोने की मुद्राएं हैं। मैं अंधी हूँ इसीलिए आप मुझे ऐसे ठग नहीं सकते हैं। ये असली सोना नहीं है। तुम ये क्या बोल रही हो लड़की, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? ये तुम्हें कभी नहीं ठगेंगे। क्यों नहीं नगरपाल महोदय, मैं आपसे एक बात बोलूं। तुम क्या बोलना चाहती हो बेटा? जब मेरे भैया बुद्धि से इस हार को गूंथ कर आपके पास लेकर गए थे तब आपने तो उनका अविश्वास किया था, क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए। लेकिन उसी हार को अपने हाथ में लेकर आपने निश्चिंत किया कि ये वही हार है, क्योंकि आपका हार है इसीलिए। आपने उसका विश्वास नहीं किया इसीलिए उसे अपनी जान देनी पड़ी। तुम मुझे माफ करो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ हुजूर, जो मैंने आपसे झूठ बोला इस सब के लिए। आपकी आंखों के ऊपर से अंधविश्वास का पर्दा उठाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे भैया तो जिंदा है। हाँ, और आपका हार भी आपके हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मुझे बताओ ये संभव कैसे हुआ? उस दिन तो आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, आज मेरी बात सुन लीजिए। तुम महान हो बेटा, तुम महान हो। मेरी गलती के लिए मैं तुमसे फिर एक बार माफी मांगता हूँ। मुझे फिर से माफ कर दो बेटा। तुम्हारी बुद्धि के लिए ये लो पुरस्कार।